मॉर्निंग मित्रों, मैं डॉक्टर चंदा केसवानी, सह आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग SPC राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज हम लोग, आप और मैं, बात करेंगे, चर्चा करेंगे भारत की विदेश नीति पर, जो कि BA पार्ट 3 के सेकंड पेपर इंटरनेशनल रिलेशन में है। कल हमने अध्ययन किया था भारत की विदेश नीति के उद्देश्यों का, और आज हम चर्चा करेंगे भारत की विदेश नीति के निर्माणक तत्वों का, बेसिक फैक्टर्स का। हम सभी जानते हैं कि किसी भी देश की विदेश नीति कई तत्वों से प्रभावित होती है। उसमें ऐतिहासिक परंपराओं, भौगोलिक स्थिति और भूतकालीन अनुभवों का योगदान होता है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे भौगोलिक तत्वों की। अगर हम नेपोलियन बोनापार्ट के शब्दों में कहें तो किसी भी देश की विदेश नीति उसके भूगोल पर आधारित होती है, और भारत के संदर्भ में भी यही बात है। भारत की विदेश नीति के निर्धारण में भारत के आकार, एशिया में उसकी विशेष स्थिति और दूर दूर तक फैली हुई भारत की सामुद्रिक और पर्वतीय सीमाओं का स्थान रहा है। भारत को अगर हम देखें तो उत्तर में साम्यवादी गुट के दो देश हैं, एक तो पूर्व सोवियत संघ और चाइना, जो कि भारत के बिल्कुल समीप है। भारत के एक छोर पर हम देखेंगे पाकिस्तान है, और दूसरे छोर पर उसकी सीमा समुद्रों से घिरी हुई है। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अपनी लंबी सीमाओं की सुरक्षा भारत के लिए मुख्य चिंता का विषय था। अगर यदि भारत साम्यवादी गुट में सम्मिलित होता है तो उसकी समुद्री सीमा पर खतरा होता है, और अगर वो पश्चिमी गुट में सम्मिलित होता है तो हिंद महासागर पर दबदबा उसकी मुख्य समस्या थी। तो इन भौगोलिक स्थितियों के कारण और दक्षिण से समुद्री सीमा सुरक्षित करने के लिए भारत ने ब्रिटेन से मैत्री रखी, और उत्तर से अपनी सुरक्षा के लिए साम्यवादी देशों से अनुकूल संबंध बनाए रखने की चेष्टा करें। अगर हिंद महासागर देखें तो हिंद महासागर में भारत का सबसे बड़ा हित है कि हिंद महासागर स्वतंत्र और शांति का क्षेत्र बना रहे। भारत इस बात को स्वीकार भी नहीं करता कि ब्रिटेन अगर हिंद महासागर से हट गया तो वहाँ शक्ति शून्यता की स्थिति पैदा हो गई है, क्योंकि अगर वहाँ शून्यता उत्पन्न हो भी जाती है तो हिंद महासागर के तटवर्ती राज्य इस शून्यता को बढ़ने की क्षमता रखते हैं। मार्च 1997 में भारत और 13 अन्य देशों ने हिंद महासागर के तटवर्ती देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए हिम तक्षेस के गठन की घोषणा की, अर्थात इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो भारत भविष्य में कभी भी एक तो हिमालय पर्वत और दूसरा हिंद महासागर, इसकी उपेक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि भारत परिवहन, व्यापार और विशेष रूप से भारतीय सुरक्षा इन्हीं पर निर्भर करती है। अर्थात भारत भौगोलिक तत्व जो है इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकता। दूसरा, गुटबंदियाँ। जब भारत स्वाधीन हुआ तो हम जानते हैं विश्व में दो गुट थे, एक और था अमेरिका था, दूसरी और सोवियत संघ था। तो भारत इन दोनों गुटों से अलग रहना चाहता था, अतः भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई जिससे अंतर्राष्ट्रीय तनाव कम हो। तीसरा, विचारधारा का प्रभाव। अगर हम भारत की विदेश नीति को देखें तो भारत की विदेश नीति में गांधीवादी विचारधारा का प्रभाव था, क्योंकि भारत जो है वो एक ऐसा देश है जिसने की गुलामी सही है, अतः भारत पर गांधीवादी विचारधारा का प्रभाव था। हडसन भी लिखते हैं कि गांधी के शांतिवाद ने देश को ये विश्वास दिलाया कि विश्व में शांति समझौते से ही स्थापित हो सकती है, ना कि रक्षात्मक संगठन से। भारत का ये भी कर्तव्य है कि वह विरोधी पक्षों से अलग रहे और उनमें मध्यस्थता का कार्य करे। चौथा है आर्थिक तत्व। भारत आर्थिक उन्नति चाहता था, और भारत की आर्थिक उन्नति भी तभी संभव थी जबकि अंतर्राष्ट्रीय शांति बनी रहे। भारत अपने विकास के लिए अधिकतम विदेशी सहायता का इच्छुक था, इसलिए भारत के लिए सभी देशों के साथ मैत्री का बर्ताव करना आवश्यक था।
और इसलिए उसने गुट निरपेक्षता अपनाई कि वह दोनों गुटों से आर्थिक और तकनीकी सहायता लेता रहे। पांचवा, सैनिक तत्व। सैनिक दृष्टि से भारत शक्तिशाली नहीं था, वह अपनी रक्षा के लिए अनेक दृष्टियों से वह विदेशों पर निर्भर था। तो भारत की दुर्बल सैनिक स्थिति उसे इस बात के लिए बाध्य करती रही कि वह सभी महत्वपूर्ण शक्तियों के साथ मैत्री बनाए रखें। छठा, पंडित नेहरू का व्यक्तित्व। किसी भी देश की विदेश नीति पर उसके नेतृत्व के व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है, तो भारत की विदेश नीति पर भी पंडित नेहरू के व्यक्तित्व की छाप दिखती है। पंडित नेहरू जी साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद के विरोधी थे और वे सभी अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्व सुलझाना चाहते थे। अतः उन्होंने अपने विचारों के अनुरूप भारत की विदेश नीति को डाला। एक बार उन्होंने ये कहा था कि भारत की विदेश नीति को नेहरू नीति कहना भ्रांतिपूर्ण है, ये इसलिए गलत है। उन्होंने कहा कि मैंने केवल इस नीति का शब्दों में प्रतिपादन किया है, मैंने इसका आविष्कार नहीं किया, ये तो भारतीय परिस्थितियों का की उपज है। अतः नेहरू स्वयं भारत की विदेश नीति को नेहरू नीति के नाम से पुकारना नापसंद करते हैं, लेकिन ये तथ्य है कि भारत की विदेश नीति में नेहरू की छाप दिखती है। अगला है राष्ट्रीय हित। किसी भी देश की विदेश नीति उसके राष्ट्रीय हित द्वारा प्रभावित होती है, और भारत के दो प्रकार के राष्ट्रीय हित हैं। पहले तो स्थायी राष्ट्रीय हित, जैसे कि देश की अखंडता और सुरक्षा। दूसरा, अस्थायी राष्ट्रीय हित। स्थायी राष्ट्रीय हित में देखें तो जैसा कि बात कर चुके हैं अखंडता और सुरक्षा। अस्थायी राष्ट्रीय हित खाद्यान्न, विदेशी पूंजी, तकनीकी विकास। भारत की विदेश नीति में कभी कभी विरोधाभास भी दिखता है, ये इस बात को सिद्ध करता है कि भारत की विदेश नीति में राष्ट्रीय हित का बड़ा स्थान है। राष्ट्रीय हितों के संदर्भ में भारत ने पश्चिमी एशिया के संकट में इजराइल के बजाय अरब राज्यों का समर्थन किया। गुटनिरपेक्ष होते हुए भी 9 अगस्त 1971 को भारत ने सोवियत संघ के साथ 20 वर्षीय संधि की। भारत की विदेश नीति दूसरे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के विरुद्ध है, परंतु अपने राष्ट्रीय हितों को देखते हुए भारत ने अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप की भर्त्सना नहीं की। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के 14 जनवरी 1980 के इस प्रस्ताव में मतदान में हिस्सा भी नहीं लिया था, जिसमें ये कहा गया कि अफगानिस्तान से विदेशी सेनाओं के तत्कालीन बिना शर्त और पूर्ण वापसी की बात कही गई थी। भारत ने 5 जून 1987 को मानवीय आधार पर श्रीलंका में जाफना की पीड़ित जनता के लिए हवाई मार्ग से राहत सामग्री पहुंचाई। भारत ने NPT अणु अप्रसार संधि और व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि CTBT पर भी हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिए, क्योंकि भारत का नाभिकीय विकल्प राष्ट्रीय सुरक्षा का अंग है। अगला बिंदु है ऐतिहासिक परंपराएं। किसी भी देश की विदेश नीति ऐतिहासिक परंपराओं पर आधारित रही है, और भारत की विदेश नीति भी ऐतिहासिक परंपराओं पर आधारित है, जैसे कि शांति, समन्वय, सहिष्णुता की भावना भारतीय विदेश नीति का आधार है। 200 वर्षों का अंग्रेजी शासन भी हमारी विदेश नीति के निर्धारण में योग रहा है। देश में संसदीय शासन, उदारवाद, अंग्रेजी भाषा का प्रयोग भी इसके प्रमाण है। ब्रिटिश साम्राज्य का हमारा कटु अनुभव भी इसके मूल में है, और पाकिस्तान के साथ शांतिपूर्ण संबंध और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंध भी ऐतिहासिक अनुभवों के फल हैं। भारत का शांतिवाद भारतीय दर्शन की सहिष्णुता, उदारता और मानवतावादी दृष्टिकोण पर आधारित है, और चीन और पाकिस्तान के आक्रमणों का सामना करते हुए भी भारत ने अपने आक्रमणकारियों के प्रति सहिष्णुता की नीति अपनाई। पंचशील के सिद्धांत भी अगर हम देखें उन पर भी गांधी के अहिंसा और बुद्ध का प्रभाव है। और अंतिम बिंदु है आंतरिक शक्तियों और दबावों का प्रभाव। किसी भी देश की आंतरिक शक्तियों और दबाव समूह पर विदेश नीति के निर्धारण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के 17 वर्षों तक भारत आर्थिक और सैनिक दृष्टि से
निर्बल होते हुए भी विश्व राजनीति में इस कारण योगदान दे सका क्योंकि नेहरू का व्यक्तित्व प्रभावशाली था। 1971-77 में पुनः उसी में श्रीमती गांधी का व्यक्तित्व उभर कर आया तो कम से कम इस उपमहाद्वीप में उनके व्यक्तित्व का प्रभाव पड़ा। 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता, 1974 में अनुबम का विस्फोट, 1975 में आर्यभट्ट और 1981 में एप्पल और 1983 में इंसर्ट 1B के अंतरिक्ष में भेजे जाने से अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत की प्रतिष्ठा और प्रभाव का विकास हुआ। और दूसरी ओर अगर हम देखें तो आंतरिक दृष्टि से कमजोर होने और भ्रष्टाचार के आरोपों से गिर जाने के कारण राजीव गांधी 1986-88 में राजीव गांधी का जो राजनय था वो कम से कम श्रीलंका, पाकिस्तान और अमेरिका के संदर्भ में प्रभावशाली नहीं रहा। दुर्बल सरकारों के नेता होने के कारण श्री VP सिंह, श्री चंद्रशेखर की विदेश नीति भी डुलमुल रही, अर्थात व्यक्तित्व और आंतरिक शक्ति और दबावों का भी विदेश नीति पर प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार भारत की विदेश नीति के कई निर्धारक तत्व रहे। अगली जो हम वीडियो लेक्चर हैं उसमें भारत की विदेश नीति की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। कोई भी समस्या हो तो आप मुझे WhatsApp पे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।